दीनी दीनी मालूमात के मालूमात लिए के लिए हमारे हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अभी हुरैरा रضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأته في دبرها مشکاة شریف صفحہ نمبر 276 پہ। और ये इबारत आप जो है मैं पढ़ रहा हूँ, ये हदीस है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं किताब खोलकर। जिसका खुलासा ये कहना चाहूँगा कि मर्दों के लिए अपनी बीवियों के पैखाने की राह में यानी दुबुर में जिमा करना हराम है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हदीस में उस पर लानत की गई है। लानत कहते हैं धुतकारने को, रहमत से दूर कर देने को। अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो अपनी ख्वाहिश को अपनी बीवी के पैखाने की राह में यानी दुबुर में अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है। अल्लाह के नबी ने उस पर लानत फरमाई है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है, बल्कि ये गुनाह कबीरा है, हराम है। अगर शौहर जबरदस्ती कर रहा है तो बीवी को बिल्कुल उसके लिए आमादा नहीं होना चाहिए, बीवी को रोकना चाहिए। याद रखें मसला यही है, अगर शौहर जबरदस्ती ऐसा कर रहा है तो फिर शौहर को गुनाह मिलेगा, बीवी बच जाएगी। लेकिन याद रखें शौहर के लिए भी ऐसा करना जायज नहीं, बीवी के लिए भी इस तरह के मामलात करने की इजाजत नहीं है। शरीयत के एतबार से बिल्कुल हराम है, हराम। अल्लाह ताला इससे तमाम उम्मत की हिफाजत फरमाए। दीनी मालूमात हासिल करने और इस्लाम का पैगाम आम करने में हमारी मदद के लिए हमारे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें।